हम लोगों ने तो पल ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, ललन सिंह ने जदयू के एक करीब 12-13 विधायकों को तोड़ लिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व ललन सिंह को हटा दिया। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं महागठबंधन में, और नीतीश कुमार कोई पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं, पहले भी उनके पास सारे अधिकार थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार गलतफहमी में है कि उनको जो इंडी गठबंधन है उनको संयोजक बना देगा या उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा। देखिए, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए, और इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि बिहार में हम 40 की 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे।